9 अप्रैल 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 AKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। सलाम अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। 9 अप्रैल 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 AKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए आगंतुक पुस्तिका में लिखा, मैं भारतीय वायुसेना और वायुसेना स्टेशन तेजपुर की पूरी टीम को इस उड़ान के आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 AKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरना मेरे लिए एक उत्साहजनक अनुभव था। ये गर्व की बात है कि भारत की रक्षा क्षमताओं ने वायु, भूमि और समुद्र की सभी सीमाओं को कवर करने के लिए अत्यधिक विस्तार किया है। राष्ट्रपति ने लिखा, राष्ट्रपति को विमान और भारतीय वायुसेना IAF की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। विमान को 106 स्क्वाड्रन के CEO ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री ने सुखोई 30 के AKI लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति की उड़ान की सराहना की। भारत के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, इसने हर भारतीय को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति जी ने बार बार असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया है। हर भारतीय को प्रेरित किया है राष्ट्रपति जी ने बार बार असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया है। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.